हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन मेथड को पढ़ा था और उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। बच्चों, इस वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वैसे बच्चों, जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने कैपिटलाइजेशन मेथड के कॉन्सेप्ट को बता रखा है। बच्चों, उसी वीडियो के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, और अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बच्चों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन को। कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल। क्या निकालने के लिए करा है? गुडविल निकालने के लिए करा है। तो इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000 को। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। टोटल एसेट ऑफ द फर्म है 1 लाख। लायबिलिटी है 40,000 का। तो हमें सबसे पहले बच्चों क्या करना होता है? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट। चूंकि यहाँ पर आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो हमें इसे निकालने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, हम लोग क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो यहाँ पर सिंपल में कहा गया है कि अगर आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है, तो आपको जो भी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 12,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप उसे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से उसे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो आपके ये 1 1 में कट जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 1। टोटल आपके कितने हो जाएंगे? कैपिटल या कैपिटलाइज वैल्यू 1 लाख रुपए का। कितने के हो जाएंगे? 1 लाख रुपए के। नेक्स्ट क्या कहता है? नेट एसेट निकालिए। अब हमें क्या निकालना होगा? अब हमें नेट एसेट निकालना होगा। तो नेट एसेट में मैंने पहले भी बता दिया कि टोटल जितने एसेट है उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए। तो टोटल आपके 1 लाख है, लायबिलिटी आपके 40,000 के, तो आपके कितने के हो जाएंगे? आपके नेट एसेट 60,000 के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? आपके नेट एसेट 60,000 के हो जाएंगे। और जैसे ही ये आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है बच्चों? गुडविल का कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितने का है? ₹1 लाख का है। और नेट एसेट आपके कितने के हैं? ₹60,000 के। तो आपके गुडविल कितने हो जाएंगे बच्चों? आपके गुडविल हो जाएंगे 40,000। और इस प्रकार से बच्चों आप एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके गुडविल को क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन को आप सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन को बच्चों हम सुपर मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं, सॉरी सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके भी हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कैपिटलाइज करके अगर हमें गुडविल को फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? हमें निकालना होगा सुपर प्रॉफिट। हमें क्या निकालना होगा? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो मैंने कहा था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पर बातें आती है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बच्चों दिया हुआ है 12,000 के, तो हम तो 12,000 लिख देंगे। लेकिन अब हमें क्या जानना है? नॉर्मल प्रॉफिट।
तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने कहा था कि नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालना है तो जो भी आपके कैपिटल एम्प्लॉयड होंगे, जो भी आपके क्या होंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड होंगे, उस कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस बना के आप क्या कर सकते हो? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्योंकि यहां पर आपके कैपिटल एम्प्लॉयड कितने के आए हैं? यहां पर आपके कैपिटल एम्प्लॉयड आए हैं 60,000 के। कितने के आए हैं? 60,000 के। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड को एसेट अप्रोच से निकालने के लिए बताया था, तो मैंने एसेट अप्रोच को अप्लाई किया। तो एसेट अप्रोच में मैंने क्या बोला था? जितने भी आपके एसेट होंगे उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए, तो वो आपके नेट एसेट भी आएंगे और वही आपके क्या आएंगे, वही आपके कैपिटल एम्प्लॉयड भी आएंगे। तो यहां पर मेरे नॉर्मल प्रॉफिट कितने हो जाएंगे? 60,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितने का है? 12% का, 12/100 आपके कितने हो जाएंगे? 1111। कितने हो जाएंगे आपके? 7200। 7200 अगर आप माइनस करते हैं तो आपके कितने आएंगे? 12,000 माइनस 7200 आपके आ जाएंगे 4800। ये आपके क्या आ गए? ये आपके आ गए सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के अंतर्गत मैंने गुडविल को निकालने के लिए क्या बताया? तो मैंने कहा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है या नहीं? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट आपके कितने आ गए? सुपर प्रॉफिट आपके आ गए 4800 इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने का है? 12 है। 12 तो आपके कितने आ जाएंगे? इनटू 100 डिवाइड बाय 12 आपके आ जाएंगे 40,000। आपके कितने आ जाएंगे? 40,000। तो बच्चों, या तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को यूज कीजिए गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, या सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन यूज कीजिए गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। दोनों का बच्चों आंसर सेम आएगा। और इस प्रकार से बच्चों आप अपने क्वेश्चन को, चाहे वो आपके एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत कैपिटलाइज करना है या सुपर प्रॉफिट के अंतर्गत कैपिटलाइज करना है, दोनों से आप अपने गुडविल को क्या कर सकते हो? आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।